अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरियम दिलदार। जैसे कि वीडियो का सेकंड पार्ट है, पहले पार्ट में हमने बायोलॉजी के सेकंड ईयर का इनके जो फाइव चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग वाले उनका ओवरव्यू लिया था। आज जो है रिमेनिंग चैप्टर्स का हम ओवरव्यू लेंगे। तो चैप्टर नंबर जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यानी क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का चैप्टर नंबर 6। इसमें आपने जो है वो हाइलाइटेड टर्म्स याद करने हैं, किसने वाल्टर फ्लेमिंग ने क्या कारनामा किया ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स है क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, लिपोटीन क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, ये सारी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए हाइलाइटेड टर्म्स। उसके बाद यहाँ पे जो पेयर्स दिए गए हैं ना क्रोमोसोम्स के, मॉस्किटो में कितने होते हैं, फ्रॉग में कितने होते हैं, ह्यूमन में कितने होते हैं, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विद पेयर्स आपको स्पेशली याद होना चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये पूरा का पूरा आपको टॉपिक आना चाहिए क्रोमोसोम्स का, कि इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं और ऑटोसोम्स कौन से होते हैं ये आपको आना चाहिए। इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना चाहिए कि सोमेटोसेंट्रिक में क्या होता है, इनका शेप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कैरियोटाइप के बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए, नथिंग मोर इंपॉर्टेंट दिस। केमिकल कंपोजिशन क्रोमोसोम्स में आपको बताने चाहिए कि ये जो जहाँ पे आपको ग्राफ बना हुआ है ना, ये ग्राफ से देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें कितनी कितनी परसेंट मौजूद है। उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें आपको पता चाहिए डुप्लेक्स क्या होता है, डीएनए कितने परसेंट होता है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें। और यहाँ पे जो है वो सुपर कॉइल्स क्या होती है, ये सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हेटरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, स्पेशल इनका जो है वो मेन डिफरेंस। क्रोमोसोम्स जो है कैरियर है जीन्स के, ये आपको बताना चाहिए, ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, इसमें से मेन इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद जो है यहाँ पे क्रोमोसोम थ्योरी दी गई, क्रोमोसोम थ्योरी साइंटिस्ट का नेम्स आपको बताना चाहिए और किन बेसिस पर दी गई ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है वो डीएनए एविडेंस, यहाँ पे कुछ आर टाइप क्या होता है, इस टाइप क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो थ्योरी दी गई है ना, आपको साइंटिस्ट के नेम पता होने चाहिए, हाइलाइटेड टर्म्स आपको बताने चाहिए, किन पे आजमाई गई ये आपको पता होना चाहिए, नतीजा क्या निकला ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ आपको बताया गया है, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिगर के साथ आपने पूरा का पूरा समझना है कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इनके मेन डिफरेंसेस जो हैं ये सारा आपको आना चाहिए, विद लेंथ आपको आना चाहिए, जो जहाँ यहाँ पे जो लेंथ लिखी हुई ना वो भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है ये आपको आना चाहिए, इसमें जो डिफरेंस डिस्टेंसेज दिए गए हैं 34 किसका होता है नैनोमीटर, ये वाली बातें ये सारी इंपॉर्टेंट आना चाहिए, किसने दी ये वाली इंपॉर्टेंट बातें। अब यहाँ से जो आपको चैप्टर दिया गया ना, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, वॉटसन एंड क्रिक वाला मॉडल आपको पूरा का पूरा पढ़ना है कि इन्होंने क्या कहा था, और चागफ्स रूल क्या होता है, ये वाली बातें, हाईलाइटेड टर्म्स आपको सारे के सारे आने हैं, साइंटिस्ट के नेम्स आपको सारे के सारे आने हैं, किन चीज़ों पर किया गया एक्सपेरिमेंट ये भी आपको आना है, और कौन से नतीजे निकले ये आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जीन्स दे यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी, इनमें आपको जो है वो डिजीज़ बताई गई यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए, साइंटिस्ट का नेम आपको पता होना चाहिए, जीनोम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे जो डिजीज़ दी गई है ना एक्टोनोरिया, इसका आपको पता होना चाहिए कि होती क्या है और किस वजह से ये होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी गई, साइंटिस्ट कौन से थे, किन पे आजमाया और रिजल्ट क्या निकला, बस ये वाली इंपॉर्टेंट बातें इनकी हर थ्योरी में। यहाँ पे म्यूटेंट वन, म्यूटेंट टू, म्यूटेंट थ्री, ये लाजमी याद कीजिएगा कि किसमें ऑर्नेथाइन मौजूद होगा, किसमें सिट्रुलिन मौजूद होगा, किसमें एजेनाइन होगा, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आगे जो बातें बताई गई हैं दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दिए गए हैं, उससे पहले आपको यहाँ कुछ टर्म्स दिए गए हैं, मैसेंजर आ रहे हैं, ट्रांसफर आ रहे हैं, ये पूरा टॉपिक आपने पढ़ना है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मैंने आपको पहले बताया था कि विद फिगर के साथ सारा का सारा आपने समझना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जेनेटिक कोड्स की बात की गई है, तो आपको इनकी यहाँ पे जो नंबर दिए गए ना 64 16, ये नंबर आपको पता होना चाहिए, किसने दिए पता होना चाहिए आपको, कोडाउन स्टॉप कोडाउन होता है, कोडाउन स्टॉप में कौन से पढ़ बातें याद करनी है मेन मेन, कि मिथ्यूनाइन का कौन सा होता है, फ्लाइंग लेरिनाइन का क्या होता है, स्टॉप कोडाउन तीन कौन से हैं, स्टार्ट कोडाउन कौन से हैं, ये बातें इंपॉर्टेंट। डीकोडिंग क्या होती है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद म्यूटेशन में आपको साइंटिस्ट के नेम्स और जो इसमें टर्म्स दिए गए ना वो इंपॉर्टेंट याद करनी है, कि ट्रांसलेशन में क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है, विद यहाँ पर जो चार्ट बना हुआ है क्रोमोसोम एब्रीवेशन का, ये आपको आना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जीन म्यूटेशन है, ये भी आपको आना चाहिए कि क्या होती है जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट होती है, म्यूटेशंस क्या होते हैं आपको आने चाहिए, और आयनाइजिंग रेडिएशन में आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो खास खास बातें आपको लगती है ना वो याद करनी है इसमें। ठीक है, कि डीएनए डैमेज किससे होता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन रेडिएशन होती है, केमिकल म्यूटेशन से होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और केमिकल म्यूटेशन में कुछ तीन पॉइंट्स दिए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, ये जो डिजीजेज आती हैं वो इंपॉर्टेंटली करनी है विद फिनाइल कीटोनूरिया, ये सारी की सारी आपको आनी चाहिए। ठीक, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 सेल साइकिल, सेल साइकिल में आपने कौन सी इंपॉर्टेंट बातें याद करनी है, हाइलाइटेड टर्म्स आपने याद करने हैं, सब स्टेजेस आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद करने हैं, सब स्टेजेस में आपको पता चाहिए डीएनए किसमें बनता है, किसमें बनना स्टार्ट होता है, ये बातें सेल डिवीजन की सारी इंपॉर्टेंट बातें, माइटोसिस क्या होती है, माइटोसिस क्या होती है, और मतलब यहाँ पे सेल डेथ में आपको एप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के विद एग्जांपल आपको आना चाहिए कि होती क्या है, और इनके एग्जांपल्स माइटोसिस के सारे फेज विद फिगर देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी दफ़ा फिगर जो है वो बुक से हट के भी आपको मिलती है, तो यहाँ से जो टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है ना माइटोसिस का, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है विद सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैंसर जो आपको यहाँ पर टॉपिक दिया है तो सबको पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है और किसने दिया था, बस नॉट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मियोसिस भी सारी की सारी देखनी है अप टू द सिग्निफिकेंस और विद फिगर के साथ देखनी है, सारा आपने इसमें याद करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि
जैसे डाउन सिंड्रोम का होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, ये पूरा का पूरा देख लीजिएगा। माइटोटिक एरर्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये भी पूरा आपको देखना है, इसको सारा याद करना है आपने, डाउन सिंड्रोम भी और डिजीजेज भी सारी चीज़ यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 में यहाँ पे आपको जीन्स और एलील्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, होती क्या है जीन पूल की जो है वो यहाँ पे डेफिनेशन, बाकी जो इक्वेशन है इसमें दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे जो आपको थोड़ा जॉर्ज मॉडल का रिव्यू दिया गया, दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। मेथड ऑफ स्टडी में सिर्फ आपको पता चाहिए डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या होता है, ये आपको पता चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो रेशो दिए गए हैं ये आपको काउंट कर आना चाहिए कि रेशो मतलब किस तरीके से काउंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ला जो दिए गए हैं ना, इसके सारे के सारे आपको लास्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि होता क्या, और आपने बाकायदा इनकी प्रैक्टिस करनी होती है कि जैसे यहाँ पे ला ऑफ इनहेरिटेंस होता है, सिंगल ट्रेड क्या होता है, मोनोहाइब्रिड रेशो क्या होता है, और वाकई मतलब प्रैक्टिस करके देखनी कि निकलते कैसे, क्योंकि यहाँ से तो वो इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन निकालते हैं कि फलां का रेशो बता दें, फलां जो है वो बता दें कि कितने जो है उसमें राउंड आएंगे, कितने रिंकल आएंगे, यहाँ की जो बातें ये सारा आपको निकालना आना चाहिए, लाज आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंटली। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट क्रॉस में हाईलाइटेड टर्म्स, और यहाँ पर जो यहाँ से जो इनकॉम्पिटेंट डोमिनेंसी है ना, यहाँ पे से जो हाईलाइटेड टर्म्स है ये वाली इंपॉर्टेंट बातें, और रेशो क्या निकला था ये वाली इंपॉर्टेंट बातें, तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि किन पे किया गया था, किन फ्लावर्स पे किया गया था या किस पे किया गया था, मल्टीपल एलील्स में ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट। मल्टीपल एलील्स आपने ये जो चार्ट बना हुआ है ग्रुप्स का कि होमोजाइगस कौन सा ग्रुप होता है, हेटरोजाइगस क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है ग्रुप, ये सब इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एर्थ्रोब्लास्ट फेटल्स दी गई हैं, ये भी सारी आपको इंपॉर्टेंट, ये आपको इंपॉर्टेंट डिजीज आनी चाहिए। उसके बाद एपिस्टेसिस, ये जो टर्म्स यहाँ पे दिखे हैं, एपिस्टेसिस क्या होता है, रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या होता है, ये सारा आपको आना चाहिए। बस इसमें जो रेशो दिए गए हैं ना, एक दो रेशो वो इंपॉर्टेंट याद कीजिएगा, बाकी जो यहाँ पे सारी कैलकुलेशन की गई है ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसकी भी आपको कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, होती क्या है, मतलब इनके जो टर्म्स ही गए हैं उनमें कॉन्सेप्ट आपको पता चाहिए, और एग्जांपल्स आपको पता चाहिए, खास रेशो आपको पता होना चाहिए, रेशो की कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, बाकी ये जो इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड्स किस तरीके से निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। ठीक, उसके बाद लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इसमें भी क्या होता है, सिनेप्सिस क्या होती है, लिंकेजेस क्या होते हैं, ड्रॉसोफिला में कितने जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, किस पे की गई है, इनका कैरियर कौन सा होता है, एक्स होती है कि वाई होती है, ये इंपॉर्टेंट बातें। और यहाँ पे जो हाईलाइटेड टर्म्स आते हैं ना, होमोगैमेटिक हेट्रोगैमेटिक कौन से होते हैं विद एग्जांपल्स, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टॉर्सोफिलिया के बारे में बताया गया है, ये भी सारा इंपॉर्टेंट है, सही। उसके बाद जो है वो यहाँ पे थ्योरीज ही हैं सारी, ये सारी आपको पढ़नी है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस जो है आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब ये जो चार्ट है ना कलर ब्लाइंडनेस का, सारे के सारे यहाँ पे एग्जांपल्स जो दिए गए हैं चार्ट्स की, सब आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर चार्ट उठाते हैं, क्वेश्चन वो अपने हिसाब से बना देते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप आराम से कर लेंगे कि कलर ब्लाइंड फलां, अगर जो है कैरियर ये है, अगर मदर कैरियर है तो क्या असल में वो ट्रांसफर होगी बीमारी कलर ब्लाइंडनेस की नहीं होगी, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, विद हीमोफीलिया डायबिटिक मेलेटिस 1 और 2 टाइप में दिख लीजिएगा कि क्या उनका मेन डिफरेंस होता है। ठीक, उसके बाद जो है की पॉइंट्स और वो तो आपने करनी ही करनी। और यहाँ पे जो लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, जिसमें आपको जेनेटिक प्रोसेस के जो सॉल्व करने ही, ये सारा ही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे जो साइंटिस्ट के नेम आते हैं और यहाँ पे जो रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स दिए गए हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स आने चाहिए, सारे के सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और सीक्वेंस के साथ स्टेप आपको पता होना चाहिए कि पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है कि या पहले डीएनए लाइगेज होता है, ये सारी सीक्वेंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिगर्स की इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती। उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकल इंजीनियर बैक्टीरिया, इसमें खास टर्म्स देख लीजिएगा, विच इज ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ये भी इसके एग्जांपल्स पर सब पता होना चाहिए आपको, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में भी आपको एग्जांपल पता होना चाहिए किस पे किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सप्लीमेंट्री डीएनए, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जीन सीक्वेंसिंग में भी सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है और किन साइंटिस्ट ने दी, आरएनए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि पोल यहाँ पे जो टर्म दिया गया है ना हाईलाइटेड, ये आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, बाकी इनमें इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। जीनोम लाइब्रेरी होता क्या है, बस ये पता होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, और इसमें जो एस्टिमेटेड ह्यूमन की जो जीन्स बताई गई है ना, ये आपको होना चाहिए, बाकी ज़्यादा इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं मल्टीफैक्टोरियल कौन सा, यूनिफैक्टोरियल विद एग्जांपल के साथ आपको करनी है, डिजीज़ तो आपने लाजमी करनी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी सारी डिजीज़ आपने लाजमी करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ जीन थेरेपी दी गई है कि डायग्नोसिस डिजीज़ की किस तरीके से होती है, ये आपको लाजमी सारा का सारा आना चाहिए। एंडोस्टेसिस क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वीक किस में होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, तो इसमें जो हाईलाइटेड टर्म्स है आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ आपको होना चाहिए, क्लोनिंग तो आप पहले ही पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे एप्लीकेशंस दी गई हैं, दैट्स नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 10 इवोल्यूशन में आपने क्या क्या बातें याद करनी है, साइंटिस्ट के सारे नेम्स आपको पता होना चाहिए, इनकी थ्योरीज क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्रॉनिक वर्जन वो उतनी कोई देती नहीं है, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसने दी ये आपको पता होना चाहिए, उनकी बुक्स के नेम्स थोड़े से लिखे हुए वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो पॉस्टुलेट्स दिए गए हैं तीनों के तीनों सीक्वेंस के साथ होने चाहिए, इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यूज डिस्यूज ऑफ ऑर्गन्स, ये सारी सीक्वेंस के साथ आपको पता होना चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ जिराफ में सिर्फ इतना याद करना है और सिलेक्ट में इनके एंसेस्टर्स क्या थे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो अब थ्योरीज में यहाँ पे जो ड्रॉबैक्स दिए गए ना आपके ऑब्जेक्शंस के, इनकी थ्योरीज किस वजह से जो है वो डिलीट हुई और इसके बाद किसकी थ्योरी आई, ये आपको पॉस्टुलेट्स इंपॉर्टेंटली पता नहीं चाहिए, इनके थ्योरीज के ड्रॉबैक्स क्या थे। ठीक है, और इसके बाद किसकी थ्योरी आई, उसकी थ्योरी का नाम क्या था और इस थ्योरी में किस पे काम किया उन्होंने, और यहाँ पे जो इसको पॉस्टुलेट्स हैं विद जो सिक्वेंस है ना इनकी सारी पॉस्टुलेट्स, वो आपको याद करनी है। ठीक है, इसी तरीके से
विस्मिस फील्ड में भी आपको यही बात याद करनी है, और डेफिनेशन आपको सोमेटिक और जर्म सेल्स की आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, इंटर स्पेसिफिक ये जो मैंने आपको बताई ये सारी आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसके पॉस्टुलेट्स हैं सारे सारे, ओवर प्रोडक्शन नहीं, फिर ये हुआ सारी चीज़ें इसके साथ आनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसके ड्रॉबैक्स आपको जरूर बतानी चाहिए। उसके बाद किसकी थ्योरी आई, डीवीज़ की थ्योरी आई, उसने क्या बोला, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे ये आपको बतानी चाहिए, और उसमें जो पॉस्टुलेट्स थे वो भी आपको एक एक जो है वो सीक्वेंस के साथ याद आना चाहिए, इसके बाद कौन सा पॉसिबिलिटी था इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्सोनॉमी, पैलेंटोलॉजी, इनके थोड़े एविडेंसेस हैं ये आपको मालूम होने चाहिए, और किन ऑर्गेनिजम्स पे इनके तजर्बे थे वो आपको बताना चाहिए, जो जो एविडेंसेस किए गए ना ये आपको बताना चाहिए। और यहाँ पे जो वेस्टिकल ऑर्गन्स हैं, किस किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा वेस्टिकल ऑर्गन होता है, ये इंपॉर्टेंट बातें याद होनी चाहिए आपको, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एविडेंसेस जो दिए गए ना ये बस कौन से एविडेंसेस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो है जेनेटिक डेथ क्या होती है आपको बताना चाहिए, स्टेबलिज्म सिलेक्शन क्या होती है आपको बताना चाहिए, जीन पूल डिमी, इनकी डेफिनेशन खास इंपॉर्टेंट होने वाले, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एट्स रोल दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो है वो जीन फ्रीक्वेंसीज, तो इसमें आपको जीन फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, हार्डी एंड वीनबर्ग लॉ, अब ये लॉ आपको आना चाहिए, इक्वेशन आपको आना चाहिए, सॉल्व किस तरीके से इक्वेशन होती है इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सारा इसका रेशियो पता होना चाहिए और इक्वेशन पता होनी चाहिए, साइंटिस्ट किस था वो, और इंपॉर्टेंट इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो वाली बात है। इंडिजिनस स्पीशीज में आपको बताना चाहिए कौन सी इंडिजिनस स्पीशीज हैं, बाकी इसमें कुछ इतना खास नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, इकोसिस्टम में क्या है, इसमें भी साइंटिस्ट के नेम्स और कुछ ब्रांचेस बताई गई हैं आपको आना चाहिए, और सारी सीक्वेंस दी गई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, सारी की सारी सिक्वेशन करनी है, डेफिनेशन करनी है, और यहाँ पे बायोस्फीयर क्या होता है, इसको इस पर क्या होता है आपको आनी चाहिए, अप्रोचेस टू इकोलॉजी, ठीक है। ये सारी अप्रोचेस आपको आनी चाहिए, कौन कौन सी इसके अप्रोचेस हैं, ठीक है, विद एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ खास दिए गए हैं इनके, ये आपको बताने चाहिए। उसके बाद इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में यहाँ पे बायोटिक में कौन से आते हैं, अबायोटिक में कौन से आते हैं, और इनमें जो तीन आपको यहाँ पे फैक्टर्स बताए गए हैं, फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, फैक्टर्स में जो चीज़ें आती हैं ना, इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्ड्स, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फैक्टर्स जो है वो सारे फैक्टर्स में क्या बातें इंपॉर्टेंट याद करनी है, इनके कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, और इनमें कुछ हाईलाइटेड टर्म्स हैं वो आपको सिर्फ याद करने हैं, बाकी इनकी ऊंचाइयां ये इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है वो डीकम्पोजर्स किस में आ जाते हैं, सेप्रोफाइट, कंज्यूमर्स, एडॉप्टिव फैक्टर्स, इनमें जो टर्म्स हैं हाईलाइट ये देख लीजिएगा, नाइट्रोजन साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद सीक्वेंस की पहले स्टेप कौन सा होता है, दूसरा स्टेप कौन सा होता है, ये सारी आपको चाहिए, डीनाइट्रिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, बाकी जो यहाँ पे हाईलाइटेड टर्म्स है सिंबायोसिस के हिसाब से, पैरासाइटिज्म विद एग्जांपल्स, ये आपको सारे आने हैं, ठीक है। सक्सेशन क्या होती है, किसने दी, हाल्ट ने क्या कारनामे किए, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, उनके एग्जांपल्स, सेकंडरी सक्सेशन में क्या होता है, एग्जांपल्स। फिर आ जाती है यहाँ पे कुछ स्टेजेस दी गई हैं, हाइड्रोसीड, मीजोसीड, ये यहाँ पे जो दी गई है ना ये सारी आपको आने चाहिए, विद एग्जांपल्स के साथ आपको आने चाहिए, ठीक। इसी तरीके से ये चैप्टर खत्म हो गया आपका। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 मेजर इकोसिस्टम, मेजर इकोसिस्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हाईलाइट टर्म्स विद एग्जांपल्स, ठीक है। जहाँ पे भी हाईलाइट टर्म्स आते हैं एग्जांपल्स, अब यहाँ पे जो एक दिए गए हैं कि जोन है आपको, यू ट्रॉफिक जोन, बेथल जोन, विद जो है वो इनकी डेप्थ याद कीजिएगा, टू मतलब यहाँ पे जो नंबर दिए गए ना कि कितनी कितनी मीटर इनकी डेप्थ है वो सारी आपने याद करनी है, और इनकी डिवीजन्स कि बेथल किसमें आ गया है, बेथल जोन, ये सारी बातें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इकोसिस्टम दिए गए हैं कि जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, अब ये यहाँ पे आपने कौन सी बातें याद करनी है, इनमें जो परसेंटेजेस दी गई हैं वो इंपॉर्टेंटली याद करनी है, इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंटली याद करने हैं आपने, इनके खास करेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं, और हाईलाइटेड टर्म्स अपने इनके मेनली याद करने हैं, और टेम्परेचर इनमें कितना होता है ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये बातें, और रेनफॉल इसमें कितने सेंटीमीटर्स होता है ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी आपको इस तरीके से पूरा हो गया। डिजर्ट्स की कुछ बात है इसमें, तो डिजर्ट्स भी आपने सारी पढ़नी है, जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई वो आपको पढ़नी है, तुंद्रा में आर्कटिक्टोन तुंद्रा एंड वो जो इसका दूसरा अल्पाइन तुंद्रा, इनके एग्जांपल्स, इनके एल्टीट्यूड्स हैं कितने, ये वाली इंपॉर्टेंट बातें, इनके टेम्परेचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इनके एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंस रोल इन इकोसिस्टम, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें असर आप ये देख लीजिएगा कि फाइटोफ्लेक्ट जो है यहाँ पे दिया गया आइटम, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैन एंड एनवायरनमेंट, इसमें आपने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल विद एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बाकी इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको बताना चाहिए कि हाइड्रो कैपिलरी वाटर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे जो दिए गए वो वाले, और यहाँ पे जो दिए गए ना कि नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, रिन्यूएबल के एग्जांपल जो मैंने आपको बताया वो आपको याद करनी है, और यहाँ पे जो टर्म्स दिए गए एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, इसकी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट बातें में आती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई कुछ इतना इंपॉर्टेंट दिया नहीं गया, बस उसको पढ़ लीजिएगा, इसमें जो टेम्परेचर्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, और उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें भी ग्लोबल वार्मिंग होती है आपको पता होना चाहिए, कुछ हाईलाइटेड टर्म्स है वो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो पोल्यूशन आपको पता होना चाहिए होती क्या है, और इसमें कुछ हाईलाइटेड टर्म्स है ये भी आपको पता होना चाहिए, गैसेस कौन सी होती हैं आपको पता चाहिए, एसिड रेन्स मच मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एसिड रेन्स में जहाँ पे इक्वेशन दी गई हैं आपको कि वाटर वेपर्स के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो क्या जाके बनता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, उनकी डेफिनेशन होती क्या है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन का जो है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कितने थाउजेंड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो बनके बनता है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी। उसके बाद
आगे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और हाईलाइटेड टर्म्स हैं यहाँ पे कि यूट्रोफिक क्या होते हैं, ओलिगोट्रोफिक क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नॉइस पोल्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि कितने ऊपर से नॉइस हो जाए, डेसिबल्स क्या होता है, इसका टर्म होता है, ये आपको आना चाहिए। 80 डेसिबल्स इसकी रेंज है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ना इसमें, कि जो यहाँ पे पूरा चार्ट दिया गया है आपको डिजीजेस का, ये सारा चार्ट आता है ना विद एग्जांपल काज ऑफ डिजीज एंड ट्रांसमिशन, ये सब का सब आपको पता होना चाहिए विद कैटेगरीज, ये सारा इंपॉर्टेंट।